नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानी चश्मा बाबा। और आज एक बहुत वाइटल एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं गाइस, हाउ टू रीड आई ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन। इसके बारे में मैंने एक डिटेल एपिसोड किया था, आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला उस एपिसोड पे। तो आज हम उसी के एक और एपिसोड में आ गए हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नियर विजन, जो नज़दीक का अगर आपको देखने में दिक्कत है गाइस, बिफोर यू गो फॉर योर आई टेस्टिंग आपको कौन कौन सा बात ध्यान पे रखना है। क्योंकि आज ही मेरे एक ऑनलाइन ऑर्डर पे मुझे एक कंफ्यूजन दिखा, जहाँ पे कस्टमर को बेसिकली प्रोग्रेसिव लेंसेज सेट नहीं हो रहा था। तो वो चाह रहे थे कि उनको जो कंप्यूटर वगैरह पे काम करने के लिए क्या बाईफोकल से हेल्प हो सकता है। तो ये काफ़ी वाइटल क्वेश्चन है गाइस। तो आज अगर आप नियर विजन का टेस्टिंग का फॉर्मूला या नियर विजन टेस्टिंग कैसे की जाती है वो अगर आप समझ जाएँ तो बहुत आसानी से आप डॉक्टर्स की मदद से अपने लिए बेस्ट नियर विजन ग्लासेस ले सकते हैं। विदाउट यूजिंग प्रोग्रेसिव भी आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस बिफोर आई स्टार्ट दिस एपिसोड, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसे ही बेटर और बेस्ट एपिसोड्स मैं आपके लिए लाता रहूँ, साथ ही एक्सपर्ट ओपिनियन भी। तो गाइज़, सबसे पहले जब नियर विजन की टेस्टिंग होती है गाइज़, डॉक्टर आपको जो ऐसे एक नियर विजन का चार्ट दिखाते हैं कि नज़दीक का आप देखो, मतलब आपका जो प्लस नंबर है नज़दीक का कौन सा लगने वाला है, और उसके लिए जो सबसे स्टैंडर्ड जो विजन माना जाता है, सबसे बेस्ट जो विजन माना जाता है गाइज़, देखिए ये नीचे वाला N5 या N6, ठीक है, N6 N5 अगर आपका है तो आपको एकदम नज़दीक पे सबसे छोटा से छोटा अक्षर भी क्लियरली दिखता है, तो आपको नज़दीक में पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। और N6 भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं, N6 वाला जो अक्षर है बेसिकली दिस वन, देखिए ये वाला, मैं कैमरा के सामने ला के आपको दिखा रहा हूँ। तो N6 भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं गाइस दिस वन, तो भी आपको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत नहीं है खाली आँखों से। और अगर आप चश्मे के साथ लगा कर ये N6 पढ़ रहे हैं तो आपको ये वाला अक्षर, तो आपको स्पेक्टेकल्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ड्यूरिंग आई टेस्टिंग कि आपको प्लस वन दिया जा रहा है या प्लस 1.25 स्पेरिकल दिया जा रहा है या प्लस 1.50 स्पेरिकल दिया जा रहा है। ये एज भी एक फैक्टर होता है, लेकिन स्टार्टिंग होता है प्लस वन से ही जनरली, प्लस 1.0 एक्सेप्शनल केस में 0.75 का भी सपोर्टिंग पावर दे देते हैं अगर लोगों को नज़दीक में देखने की दिक्कत है। लेकिन ये जो नज़दीक का पावर है ये प्लस 1.0 से ही स्टार्ट होता है, प्लस 1.0 स्फेरिकल। तो गाइस अभी बात है कि सपोज़ कीजिए डॉक्टर जब आपको पावर देते हैं ना, अगर आप नहीं डिस्कस करेंगे उनसे अपना कि मैं नज़दीक पे जो काम कर रहा हूँ वो मैं कितने डिस्टेंस पे करना चाहता हूँ, तो जनरली एक एजम्पशन के हिसाब से ये जो आधे हाथ का आप डिस्टेंस देख रहे हैं 1.5 फीट, ठीक है, 1.5 फीट पे ही आपको यहाँ पे किताब रख के वो बोलेंगे आप पढ़िए और देखिए आपको N6 दिख रहा है कि नहीं। लेकिन आपको प्राइमरीली जब भी आप आई टेस्टिंग के लिए जाएं, आपको अपने वर्क के हिसाब से कि मेरे को नज़दीक में यहाँ मैं पढ़ता हूँ या नज़दीक करके पढ़ता हूँ, ऐसे जनरली स्टैंडर्ड तो ये है कि इस डिस्टेंस में आपको पढ़ना चाहिए 1.5 फीट, आधे हाथ का डिस्टेंस, ठीक है, डॉक्टर भी आपको ऐसे ही पावर देते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज़ कीजिए अपने हिसाब से सेट करना है इसको कि मैं यहाँ पे क्लियरली देखना चाहता हूँ, थोड़ा हाथ मैं दूर करके मेरे को पढ़ने की हैबिट है, या मैं कंप्यूटर ही सिर्फ देखना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा ग्लासेस चाहिए नज़दीक का नियर ग्लासेस जो सिर्फ कंप्यूटर पे मैं देखूँ एंड दैट्स इट, तो आपको डॉक्टर को गाइस वो बताना पड़ेगा जाकर कि मेरा वर्किंग डिस्टेंस जो है नज़दीक का वो 1.5 फीट नहीं है, वो 2 फीट है या 2.5 फीट पे मेरे को क्लियरली देखना है एक पर्टिकुलर अक्षर को। अगर आपको प्रोग्रेसिव लेंसेज सेट नहीं होता, आप सिर्फ बाईफोकल से ही काम कर चलाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको जो डिस्टेंस सेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से आपके डॉक्टर को बोल के कि मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, मेरे को इस डिस्टेंस पे नहीं, इस डिस्टेंस के लिए, मतलब डिस्टेंस को अगर मैं थोड़ा दूर करूँ तो यहाँ के लिए पावर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप प्रोग्रेसिव लेंसेज के लिए जाएंगे तो आपको 3 जोन का विजन मिल जाएगा, जैसे डिस्टेंस पे भी आप देख सकते हैं, इंटरमीडिएट जो थोड़ा दूर करके मैं बता रहा हूँ वहाँ पे भी दिख जाएगा और नज़दीक पे भी आपको दिख जाएगा। लेकिन कई लोगों को प्रोग्रेसिव सेट नहीं होता है गाइस, वो चाहते हैं वो बाईफोकल से स्विच नहीं करना चाहते,
तो उनके लिए ये एक ऑप्शन है, आप डॉक्टर से बिफोर योर आई टेस्टिंग या ड्यूरिंग योर आई टेस्टिंग आप बोलिए कि मुझे थोड़ा दूर, मतलब मेरे को हैबिट है ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख के पढ़ने की, तो आप उस हिसाब से मुझे अपना ग्लासेस बनवा के दीजिए, तो डॉक्टर भी आपको एज़ पर योर वर्किंग डिस्टेंस आपको वो पावर सेट कर देंगे। ये एपिसोड पसंद आया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरी है या मेरे से कुछ ऑर्डर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पैन इंडिया डिलीवरी है, सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा राइट बिलो। सो ओनली सीरियस बायर्स कैन कॉन्टैक्ट मी, और कोई भी आपका सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपसे हर वीक आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा वीडियो के माध्यम से। सो अपने आँखों का बेहतर ख्याल रखिए गाइस।